हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेटेस्ट पिच। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन, जो कि 2019 दिसंबर के लिए है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे ये वीडियो पे, हम लोग डेली आपको एक 15 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे। वो सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से होगा, जैसे करके CDP हो गया, मैथ हो गया, आपका EBS, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड मैथ, इन सब में से आपको डेली 15 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो को पूरा देखना है और आपको एक कॉपी लेके वहाँ आपको अपना ऑप्शन टिक करना है, और वीडियो के एंड होने में आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है कि आपका आउट ऑफ द 15 कितना करेक्ट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस सब का थ्योरी भी चाहिए तो अगर आप कमेंट पे लिखते हैं, तो अगर सब जन को चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ थ्योरी भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, हाँ, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एज ए टीचर हु फार्मसली बिलीव्स इन सोशल कॉन्ट्रस्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लिबागोस्की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रीफर फॉर एक्सेसिंग योर स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आप लिबागोस्की की ये थ्योरी को अगर मानते हैं, तो आप इनमें से कौन सा मेथड को प्रीफर करेंगे आपके स्टूडेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है कोलाबोरेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि है ऑप्शन नंबर 1, कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, लगता है कि आप सभी लोग ने सही आंसर चुना होगा, और आखिर में आप कमेंट पे लिख दीजिएगा आपका कितना करेक्ट हुआ आउट ऑफ द 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इच क्लासरूम ए टीचर शुड, तो अगर कैटर करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक क्लासरूम में, तो एक टीचर क्या करेगा, एंगेज करेगा। ए टीचर शुड एंगेज इन ए डायलॉग विथ स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर परसेप्टिव। अगर क्या करना है, स्टूडेंट को जितने भी है सबको एंगेज करना है एक डायलॉग में, और क्या करना है कि जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सबके परसेप्टिव को क्या करना है, उसको वैल्यू देना है, मतलब उनका जो सोच है उस सोच को भी बढ़ावा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। असेसमेंट को पर्पजफुल कब माना जाएगा, इसे तब पर्पजफुल माना जाएगा जब ये क्या करेगा, ये सर्व करेगा एज द फीडबैक फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर। असेसमेंट जब अगर फीडबैक देता है बोथ द स्टूडेंट्स एंड फॉर द टीचर, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, उसे हम पर्पजफुल मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें लगता है कि इसका भी आप आंसर दे दिए होंगे सही से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ ए टीचर हैज़ टू बी, NCF 2005 के हिसाब से एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है फैसिलिटेटिव। NCF 2005 में ये लिखा गया है कि ए टीचर इज ए फैसिलिटेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। रिसर्च सजेस्ट दैट इन ए डाइवर्स क्लासरूम ए टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स डेक्स देयर लर्निंग। एक डाइवर्स क्लासरूम में एक टीचर का एक्सपेक्टेशन उसके स्टूडेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव देता है उनके लर्निंग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है क्या रहता है, वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर टीचर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा अपने स्टूडेंट से, तो उनका लर्निंग में कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स इज रिक्वायर्स ए चेंज इन एटीट्यूड कॉन्टेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हैविंग ए डाइवर्स क्लासरूम विथ चिल्ड्रेन फ्रॉम वेराइड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं। हैविंग ए डाइवर्स क्लासरूम विथ चिल्ड्रेन फ्रॉम वेराइड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट क्या होता है, ये स्टेटमेंट है करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लेकिन किस चीज के लिए करेक्ट है, ये करेक्ट है बिकॉज चिल्ड्रेन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। ये क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल बैकग्राउंड से
मिलजुल के लड़के वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे बोलो? बोलो अपने एक दूसरे से क्या करेंगे, मैनी स्किल को सीखेंगे, बहुत सारे स्किल को। अगर एक के पास ये है, एक के पास वो है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने एक दूसरे में से वो सीखेंगे अपने प्योर ग्रुप से। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर एक बच्चे को सुनाई देने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको क्या करना चाहिए, ए चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन डू वेरी वेल इन ए रेगुलर क्लासरूम इफ सुइटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक बच्चा को क्या है, अगर आपको उसे सुनने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो वो एक नॉर्मल क्लासरूम में भी अच्छे से काम कर सकता है, अगर आप उसे सुइटेबल फैसिलिटेशन मिले, रिसोर्स मिले। जैसे करके अगर वो सुनाई नहीं दे रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे फर्स्ट लाइन पर बिठाएंगे, उसे हर बार में मतलब ज़्यादा उसे एम्फासाइज करेंगे कि उसको सुनाई दिया, उसको आंसर पूछेंगे, तो वो क्या करेगा, वो एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा एक ठो रेगुलर स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिफ्टेड स्टूडेंट, एक गिफ्टेड लर्नर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इन। अगर एक बच्चा गिफ्टेड है, गिफ्टेड हम किसे बोलेंगे, जिसका IQ 140 प्लस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक गिफ्टेड स्टूडेंट कब को क्या फील होगा, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो क्या करेगा, वो बोर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो बोर हो जाएगा अगर उसके क्लासरूम में जितने भी एक्टिविटीज है उसको चैलेंजिंग ना लगे, क्योंकि वो गिफ्टेड है तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगा, तो वो बोर हो सकता है, वो बोर हो जाएगा अगर उसको कुछ चैलेंजिंग या फिर टॉप कुछ एक्टिविटीज ना मिले। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए टीचर कैन एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय, एक टीचर क्या कर सकता है, एक टीचर कैसे करके एनरिच कर सकता है, एनहेंस कर सकता है इफेक्टिव लर्निंग को उसके एलिमेंट्री क्लासरूम में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट। अगर एक टीचर एक बच्चे के रियल लाइफ के साथ वो जो कंटेंट है उसको जोड़ देगा एलिमेंट्री क्लासरूम में, तो वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर पाएगा इफेक्टिवनेस को उस टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रेन आर करेक्ट, तो फ्रेंड्स इसका आप देख लेते हैं ऑप्शन। चिल्ड्रेंस आर पेसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, चिल्ड्रेंस आर प्रॉब्लम सॉल्वर, चिल्ड्रेन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, चिल्ड्रेंस आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरमेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें से ये तीन जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, और ये चिल्ड्रेंस आर पेसिव नहीं, चिल्ड्रेंस आर एक्टिव रिसिपेंट्स ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वजह से हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है BC and D, चिल्ड्रेंस आर प्रॉब्लम सॉल्वर, चिल्ड्रेंस आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स और चिल्ड्रेंस आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरमेंट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक बच्चे के अंदर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को एनकरेज करना है तो इनमें से कौन सा एक हो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या करना होगा फ्रेंड्स, गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जांपल एंड एनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। तो क्या करना होगा फ्रेंड्स, बच्चे को बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल देना है और उसको एनकरेज करना है कि उसका रीजनिंग को यूज कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चाइल्ड सीज ए क्राउ फ्लाइंग पास्ट द विंडो एंड से ए बर्ड। तो फ्रेंड्स, एक बच्चा एक कौवा को देखता है जो कि फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है विंडो के वहाँ से, तो बच्चा बोलता है कि ए बर्ड, ए चिड़िया। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड्स थिंकिंग। तो इससे हम वो चाइल्ड के थिंकिंग के बारे में हम क्या पता कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वो चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, उसका ऑप्शन देख लीजिए, वो बच्चे के पास पहले से कुछ मेमोरीज है। द
चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बर्ड, एक चाइल्ड ने एक बर्ड, एक चिड़िया का कॉन्सेप्ट को कुछ ना कुछ डेवलप किया है अपने दिमाग में। ए चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ हर एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से जैसे करके एक बर्ड बोला, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या बोला, बच्चे ने बोला ए बर्ड, इसका मतलब वो कन्फर्म है कि उसके पास प्रीवियसली कुछ मेमोरीज होगा, वो पहले कुछ देखा होगा, तभी तो वो बोल रहा है कि अगर वो कुछ देखा होगा जैसे करके कोई एक आसमान में उड़ रहा है तो वो उसको शायद किसी ने बोला होगा कि वो चिड़िया होता है, तभी जाके वो बोला एक बर्ड, तो उसके हिसाब से वो उसके पास प्रीवियसली कुछ स्टोर मेमोरीज को ट्राई कर रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है, वो चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड, वो बर्ड अभी को बर्ड को देखा तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो नया चेंजेस हुआ होगा, और जैसे करके वो बोल रहा है कि ए बर्ड, वो कुछ बोला उसका मतलब वो कुछ लैंग्वेज कम्युनिकेशन को डेवलप किया है। तो इसके हिसाब से उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ए बी एंड सी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट डज ए टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू एनकरेज देम टू डू टास्क विथ इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स वो एक टीचर क्या बोलेगा अपने स्टूडेंट्स को ताकि वो एनकरेज कर सके, तो फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राई टू डू इट यू विल लर्न। वो क्या बोलेगा एनकरेज करने के लिए, वो बोलेगा कि आप करिए, इसे ट्राई करिए, आप कन्फर्म सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आप लोग को रिक्वेस्ट रहा कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये ट्राई किए ये टेस्ट को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिएगी आपके आउट ऑफ द 15 कितने मार्क्स रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।